अगर आपको हॉरर फिल्में थिएटर में देखने का शौक है तो इसको मिस मत करना। वेलकम टू GMR फ्रेंड्स। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ईविल डेड राइज। ये मूवी इसी पास्ट वीक आपके नज़दीकी सिनेमा घरों पे रिलीज़ हुई है। ये ईविल डेड सीरीज़ की 5th इंस्टॉलमेंट है। इससे पहले 4 और पार्ट आ चुके हैं जिनमें 3 पार्ट आपस में लिंक थे, फिर 4th पार्ट 2013 में आया और अब ये 5th पार्ट आया है। ये मूवी हॉरर के साथ साथ बहुत ज़्यादा ब्रूटल भी है। इसमें काटने पीटने वाले सीन बहुत ही ज़्यादा भरमार में दिखाए गए हैं। मूवी की कहानी कुछ यूँ है कि एक बहुत ज़बरदस्त भूकंप आने की वजह से एक बिल्डिंग के नीचे एक बहुत बड़ा होल हो जाता है जिसमें से कुछ 100 साल पुरानी एक ईविल किताब बाहर आ जाती है जो कि एक परिवार के बच्चे अपने घर ले जाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एक शैतान जाग जाता है और धीरे धीरे एक एक करके उस घर के सभी लोगों को एक के बाद एक मारना शुरू कर देता है। ये मूवी हॉलीवुड के फेमस हॉरर स्पेशलिस्ट डायरेक्टर सैम रायमी की तरफ से पब्लिक को एक ट्रीट की तरह है। मूवी में बहुत सारे जंप स्केयर सीन भी हैं, जिसमें अचानक आपको झटका सा लग जाता है, और बहुत सारे ब्रूटल सीन्स भी हैं जिसमें आपका दिल दहल जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक लेक के पास आए 2 लड़कियां और एक लड़के का एक छोटा सा ग्रुप दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की अचानक पोसेस हो जाती है और फिर अपने दोनों साथियों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देती है। इसके बाद सीन कट करके हमें एक दिन पहले का दिखाया जाता है जिसमें वही बिल्डिंग वाला सीन आ जाता है जो मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूँ। मूवी में ब्रूटल सीन्स की भरमार है, जैसे लड़की का बालों समेत खोपड़े से उखाड़ फेंकना, अपने ही चेहरे को ड्रोन की चक्री से काटना, सब्जी चॉप करने वाले इंस्ट्रूमेंट से पैरों पे वार, टैटू बनाने वाली नीडल से आंखों पे वार, कांच के ग्लास को खाना और उसके बाद उसका गले से उतरना, इस तरह के बहुत सारे ब्रूटल सीन्स हैं और हॉरर का तो क्या ही कहने। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही बढ़िया है। थिएटर पे जाकर जब आप इस मूवी को देखते हैं तो फुल पैसा वसूल है। मूवी का एंड भी एक क्वेश्चन मार्क पे ही किया गया है, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट आने की भी पूरी पूरी उम्मीद है। हॉरर और थ्रिलर मूवी के शौकीन लोगों को ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। मूवी का स्क्रीन प्ले भी इतना टाइट है कि आप इस मूवी को 10 से 20 सेकंड के लिए भी मिस नहीं करना चाहेंगे। पूरे टाइम इस पे आपकी आंखें गड़ी रहती हैं। मूवी डायरेक्ट करते टाइम आर्टिस्ट के मेकअप का भी पूरी तरह ध्यान रखा गया है कि उनको किस तरह और खौफनाक दिखाया जा सके, और वो काम डायरेक्टर साहब और मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।